सूरजपुर में भाजपा ने धान खरीदी की अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने कहा कि धान खरीदी को सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं, जबकि सैकड़ों किसानों से धान नहीं खरीदी गई है। किसान को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार को धान खरीदी की समय सीमा बढ़ानी चाहिए। किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी 22 तारीख को आंदोलन करेगी। सर, केंद्र सरकार ने लगभग 24 लाख मेट्रिक टन चावल हेतु 36 लाख मेट्रिक टन, कुल करीब 70 लाख मेट्रिक टन, मतलब 24 लाख मेट्रिक टन चावल के उठाव के लिए सहमति दी दी है सैद्धांतिक, और वो उठाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन सरकार अभी तक वो ओवरफ्लो दिखाकर उन समितियों में धान, चूंकि नीति ही सरकार की है कि कुछ भी है धान जो है वो खरीद नहीं रहे हैं आप वनभूमि का, और ये कर्ज भी इनके ऊपर है। तो अंततोगत्वा जो 255 किसानों ने आत्महत्या की वो कहीं ना कहीं सरकार के इन सब नीतियों के कारण ही की। अभी लुंड्रा में एक किसान ने ट्रैक्टर का लोन नहीं पटा पाने के कारण वहाँ नेता प्रतिपक्ष जी गए थे, आत्महत्या कर लिया था। तो वो एक हो ही यही रहा है कि आप 1.5 साल में जी इनका पैसा नहीं देंगे, और 100-100 रुपया यदि 5 बार दे दें तो वो तो कोई नहीं है, एक साथ पैसा मिलता तो निश्चित रूप से किसान उसका उपयोग करता और कहीं ना कहीं जो लोन है और बाकी चीज़ें वो दूर करता। इससे तो किसान कर्जे में भी आएगा और भविष्य में उसको खेती करने में भी परेशानी आएगी। बहुत कटु सत्य है कि यहाँ हर चीज़ में टैक्स है, अवैध टैक्स अलग से चलता है और एक जो है रेवेन्यू टैक्स जो रहता है वो तो रहती है। एक जो अवैध टैक्स है उसमें शराब से लेकर, राइस मिलर से लेकर, रेत से लेकर, सब जगह कोयला से लेकर, ये हर जगह टैक्स लागू है जिसकी सूचना आप सबको मिलती होगी। तो एक तो सीधा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है सरकार का, एक और रेवेन्यू भला ही इकट्ठा ना हो लेकिन जो 2 नंबर का रेवेन्यू है वो 10-10 जनपद पहुंचना चाहिए।